नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी और आज मैं लेकर के आया हूँ नई रेसिपी जो कि सोजी का हलवा। इसमें आज हम आपको बताएंगे नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ के किस तरीके से सोजी का हलवा बनाया जाता है। बहुत से वीडियो, बहुत से रेसिपी आपने देखी होगी जो कॉमन तरीके से और कॉमन इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स करते हैं। आज हम जो है सोजी का हलवा आपके सामने बनाने जा रहे हैं, आपके लिए बनाने जा रहे हैं। उसमें हमने दो नए इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, एक है क्रैनबेरी, दूसरा है गरी का कस होता है, गरी का कस, नारियल का जो बारीक कस होता है, और साथ में हमने मिक्स किया उसमें केसर और शुद्ध देसी घी और शुद्ध गाय का दूध, देसी गाय का दूध। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आज हम फिर बनाते हैं आपके लिए सोजी का हलवा। आइए चलिए शुरू करते हैं चीज़ों से जिनको मिक्स करके बनेगा एक स्वादिष्ट सोजी का हलवा। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको उसके पास जिसका यूज़ सबसे कम होता है। काफ़ी वीडियो बनते हैं इस रेसिपी, इस सोजी के हलवे के, लेकिन आपने देखा होगा उसमें ये चीज़ें कम ही लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो उनमें सबसे पहला ये है, एक तो क्रैनबेरी। ये आज हमने नए प्रैक्टिकल के तौर पे लिया है क्रैनबेरी को। देखते हैं आज इसको यूज़ करके खट्टा मीठा कैसा स्वाद इसका हलवे का आएगा। उसके साथ किशमिश रखी हुई हैं, आप जानते ही हैं। ये बारीक किसा हुआ गरी मतलब नारियल, ये है बादाम, ये है शुद्ध देसी घी। अगर आपको देसी घी ना मिले तो आप मार्केट से मिलने वाले तमाम घी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सोजी, सोजी के साथ ये है इलायची। इलायची एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसका कि कोई भी मिष्ठान आप बना रहे हों उसमें इलायची पीस करके डाल दीजिए, अपने आप स्वाद आपको अच्छा मिलेगा। ये खासियत है इलायची की। अब ये है केसर, इसको हमने पहले से ही दूध में भिगा दिया है ताकि ये स्वाद अच्छा इसका आए और कलर भी अच्छा मिले। ये है किशमिश, आप जानते हैं इसको अभी बारीक काटेंगे। और ये है शक्कर और ये है मिल्क। मिल्क का यूज़ इसलिए होता है कि ये आप इसके मिल्क ना भी हो तो आप पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं सोजी को। और मिल्क का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हलवा काफ़ी नरम हो, काफ़ी अच्छा बने, टेस्टी बने। मिल्क के ना रहने पे आप पानी यूज़ करें। शक्कर का रेशियो ऐसा रहता है कि अगर आप 100 ग्राम सोजी यूज़ कर रहे हैं तो 200 ग्राम शक्कर ले सकते हैं या स्वाद के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने शक्कर इसके साथ कम लिया है, लेकिन ये और भी चीज़ें हैं इसमें जो कि इसको मीठा और करेंगे, जैसे किशमिश है, तो इन चीज़ों को के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में इतना शक्कर हमने लिया है। और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकेंगे बाद में बनाते समय। और ये नए इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम हलवा बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है, केमिकल कहने का मतलब कोई भी फूड कलर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और पूरी तरह ये प्राकृतिक तरीके से, देसी तरीके से जो कहा जाता है हलवा हम बनाएंगे सोजी का। तो चलिए अब शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे कि कैसे सोजी का हलवा हमें बनाना है, शुरू करना है। सारी सामग्रियां अब इकट्ठी हो गई हैं, अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं और अब ये कढ़ाई इसमें हम रखेंगे, ये घी डालेंगे, जब ये घी कढ़ाई का घी गर्म हो जाएगा तो इसी गर्म घी को इसमें लेकर के डालेंगे तो ये आसानी से पिघल करके कटोरी से बाहर आ जाएगा। क्रैनबेरी को हम नहीं भूंजेंगे क्योंकि ये ऐसे ही डालने में स्वाद इसका अच्छा होगा। थोड़ी बड़े इनको रख सकते हैं ताकि इनके पीसेस, इनको भी हल्का ब्राउन होने तक हमें भूनना है।
हल्के ब्राउन होने तक हमने इन्हें भून लिया है और बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। अब इनको हम साइड पर रख देंगे। घी अब पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सोजी। अब सोजी को हमें धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। फ्लेम सेम रहेगा मीडियम फ्लेम में, आपको धीरे धीरे इसको चलाना है। इसमें घी हमने पर जितना ज़रूरत है उतना ही लिया है। इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। धीरे 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 हम इसको भून रहे हैं और याद रहें कि बहुत तेज़ फ्लेम में इसको नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये भुनेगा तो नहीं लेकिन जलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें मीडियम फ्लेम में ही इसको चलाते रहना है। शुरुआत में थोड़ा रुक रुक करके, मतलब थोड़ा गैप दे करके, फिर उसके बाद आपको लगातार इसको भूनते रहना, चलाते रहना है। सूजी का हलवा हम भून रहे हैं अभी। ये धीरे धीरे ब्राउन कलर होने लगा है सूजी का। जब तक हमारी सूजी भुन रही है, साइड में हम शक्कर को पानी में मिक्स कर देंगे। इसको घुलने तक हमें ये शक्कर हम ऐसे भी डाल सकते हैं बिना पानी में मिक्स किए, पर इसको मिक्स करके डालने से भी अच्छा रहेगा। ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो गया है, ये देखिए इसका कलर ब्राउन हो रहा है। अब ये इसका मतलब ये अच्छी तरह से भून गया। अब आप देखेंगे कि जो हमने पहले से इसको भून करके रखा था मेवा, वो हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। ये आप इसी कढ़ाई में कर सकते थे, लेकिन हमारे पास दूसरी की कढ़ाई थी इसलिए हमने इसको अलग से भून लिया था। ये इसमें हमने इसमें मेवे मिला करके इनको मिक्स कर लिया है। साथ में ये क्रैनबेरी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं ताकि इससे इसका ये एक प्रैक्टिकल के तौर पे है। हालांकि क्रैनबेरी कोई भी नहीं डालता इसमें, बट हम आज इसको डाल करके देखते हैं इसका स्वाद कैसे इसमें आता है। अच्छी तरह से भुन गया है और अब इसमें हमने जो ये शक्कर का मिक्स किया था, अब इसमें हम इस पानी को इसमें डालेंगे और साथ में मिल्क भी हम डालेंगे। आप चाहें तो पूरे दूध पानी का उपयोग ना करके दूध का ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं दूध बराबर उपलब्ध नहीं रहता, तो इसके लिए जितना हो, क्योंकि जितना क्वांटिटी में इसको डालेंगे इससे हलवे का जो है मॉइस्चराइजर रहेगा और ये कड़क नहीं होगा, काफ़ी सॉफ्ट बनेगा हलवा। ये है इलायची। इलायची को हम पानी में भी डाल सकते हैं थोड़ा। इससे क्या है कि ये अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगी इलायची और इसका स्वाद जो है पूरे पानी में फैलेगा और ये पानी हलवे में। अब ये मिल्क है, आप चाहें तो इस पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें दूध को इसमें डाल रहे हैं। याद रहे आपको उसको मीडियम फ्लेम में ही करना है। अब इसके साथ हम ये शक्कर वाला पानी भी जो लिया था वो तो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो
घबराए ना कि पानी ज़्यादा हो गया या दूध ज़्यादा हो गया, ये अपने आप, ये सूजी ऐसी चीज़ है कि अपने आप इसको सोख लेगी। अब इसको बराबर चलाते रहना। उसमें हम ये डालेंगे नारियल का गरी का कस जो पीस करके हमने बारीक रखा था। ये जब गीला है उसी में हम इनको सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी आप देखेंगे केसर, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये काफ़ी खिल कर पका हुआ है, या आप देख सकते हैं इसका कलर भी केसर डालने से एकदम नेचुरल जो हलवे का कलर होता है वो इसमें आ रहा है। अब कोई ऐसा मेरे पास इक्विपमेंट होता आपको खुशबू इसकी सूंघा पाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मैं अभी ये फील कर पा रहा हूँ इतनी बढ़िया इसकी खुशबू मुझे आ रही है, इतना मतलब इतनी अच्छी खुशबू है, टेस्टी भी होगा ये तो डेफिनेटली। और आप देखेंगे कि ये नॉन स्टिक कढ़ाई थी और इसमें इसका केमिकल निकल चुका है, उसके बाद भी ये हलवा इसमें नीचे कहीं पे भी चिपकने का इसका नाम निशान नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क ऐड किया है और प्रॉपर टेम्परेचर में हमने इसको बनाया है और एकदम इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये बाकी बचा हुआ बादाम आप देखेंगे, हमने पहले कुछ बादाम भून लिया था लेकिन कुछ ये रखा है। इसमें आप देखेंगे कि दो तरह का टेस्ट आपको मिलेगा, जो एक बिना उसका बादाम रहता है बिना भुना हुआ कच्चा जैसे हम खाते हैं वो, और ये क्रैनबेरीज हैं। इन चार क्रैनबेरीज हमने ऊपर से रख रखे थे क्योंकि ये जब भी अपने जीभ में आएंगे तो इनका अलग टेस्ट आएगा उनके अपेक्षा जो हमने पहले से डाल रखे हैं। ये एक तरीके से कहा जाए ये टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और ये हलवा अब बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और एकदम खिल कर के बना है ये रबा रबा। इसको हम वापस से ढक देंगे मात्र 30-30 सेकंड के लिए। इसमें जब ये आप देखेंगे इसको पकाने का तरीका ये है, अब इसको हम वापस से 30 सेकंड के लिए ढक देंगे। आप देखेंगे जो आप देखेंगे इसमें अभी ट्रांसपेरेंट है, जैसे ही भाप इसमें पूरी तरह स्टीम जो है हो जाएगा आपको देखना बंद हो जाएगा, समझिए कि ये इसमें पकना शुरू हो गया। तो ये लास्ट स्टेज है इस हलवे का, इसके बाद हम इसको डीबोर्ड कर देंगे, गैस से नीचे उतारेंगे और आपके लिए हलवा सर्व करके हम इसमें और नए इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं। आप देखेंगे जितने भी रेसिपी और हैं इसके सूजी के हलवे की, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन है। इसमें हमने अलग से जो डाला है क्रैनबेरी और नारियल की गरी और केसर। तो ये आज हमारा प्रयास है, आपने हलवे को देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारी कलाकारी पसंद आई हो, हलवा बनाने की टेक्निक पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और आगे हम और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको ऐसे नए नए टेक्निक के साथ लेकर के आ सकें, इसके लिए आप शेयर करें, लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना को हराना है, घर पर रहना सुरक्षित रहना है, धन्यवाद। गए हैं सूजी का हलवा, आप देखेंगे कितने मस्त कितना अच्छा इसका सॉफ्ट और दाने दाने चबादार ये सूजी का हलवा रेडी हो चुका है।